ईवीएम से की जा रही है छेड़छाड़, फिर बन सकती है बीजेपी सरकार। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और उन्हें बदलने की शिकायतें आ रही हैं, जिसके कारण विपक्षी दलों के लिए ईवीएम सिरदर्द बनी हुई है। चुनाव खत्म हो चुके हैं और सभी एग्जिट पोल को देखा जाए तो मीडिया बीजेपी को जीतती दिखा रही है, जिससे कई दलों ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं और धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की खबरें आ रही हैं। यूपी के गाजीपुर, चंदौली, झांसी और बनारस से ईवीएम को बदलने की अफवाह आ रही है। गाजीपुर के गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने स्ट्रॉन्ग रूम के आगे धरना प्रदर्शन किया और उनका इल्ज़ाम था कि ईवीएम बदली गई है, उनको प्रशासन पर भरोसा नहीं है। मिर्ज़ापुर के कांग्रेस के प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी, उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि क्या जो स्ट्रॉन्ग रूम के आगे 300 अतिरिक्त ईवीएम रखी है, क्या वो वोटिंग वाली ईवीएम से बदलने के लिए रखी गई है। वहीं आरजेडी का आरोप था कि बिहार के सहारन और महारंजनपुर के स्ट्रॉन्ग रूम के आगे ईवीएम की कई गाड़ियां पकड़ी गई हैं, उन्होंने इसकी तस्वीरें भी अपलोड की थी। आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, अपनी जान की सुरक्षा के लिए कानून अधिकार देता है कि अगर जरूरत पड़े तो आप हथियार भी उठाएं, उसी तरह वोट की रक्षा के लिए जनता को अगर हथियार उठाने की जरूरत पड़े तो उठाइए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।